राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेतृत्व में मुरादाबाद महानगर के इंपीरियल चौराहे पर लव जिहाद का पुतला फूंका गया और महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया गया। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय रोहन सक्सेना ने बताया कि आज देश के अंदर लव जिहाद की घटना बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। जिस दिन से लव इन रिलेशनशिप को प्रशासन और शासन के द्वारा अनुमति मिली है, तब से इन घटनाओं में वृद्धि हुई है। आज संपूर्ण देश में रहने वाली सभी बेटियों के माँ बाप बहुत चिंतित हैं कि बेटियों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। लव जिहाद की घटना बेटियों के भविष्य को समाप्त कर देने वाली है। दिल्ली की जो घटना हुई है, उस घटना के बाद हर मनुष्य निशब्द है और दिल्ली की घटना करने वाला आफताब पुलिस की पूछताछ के दौरान हंस रहा है, जिससे ये दर्शाया जा रहा है कि वे अपने कृत्य से खुश है। राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है कि इस प्रकार की जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने वाले मदरसों पर अविलंब प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि लव जिहाद की मानसिकता मदरसों की देन है, जहां पर मुस्लिम युवकों को शिक्षा दी जाती है कि तुम एक हिंदू लड़की से शादी करोगे तो 100 बार हज करने का पुण्य प्राप्त होगा, जन्नत मिलेगी। इस प्रकार की शिक्षा के कारण लव जिहाद की घटनाएं संपूर्ण देश के अंदर बढ़ रही है। आज राष्ट्रीय बजरंग दल मुरादाबाद के द्वारा इंपीरियल चौराहे पर और पुतला फूंका गया है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो श्रद्धा का मामला हुआ है दिल्ली के अंदर, वो आफताब नाम का कुत्ता जिसने हमारी बहन बेटी के साथ लव जिहाद करा, उसको मार दिया, उसको काट दिया और 35 टुकड़े दिल्ली में फेंक दिए। राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है ऐसी मानसिकता रखने वाले जिहादियों को बीच सड़क पर गोली मार दी जाए और उनका शव तब तक न उतारा जाए जब तक चील कौवे कुत्ते उसके मांस को न खा जाए, ताकि इनकी पुस्तें याद रखे कि लव जिहाद करने का क्या परिणाम होता है। हमारी बहन बेटियों को, हमारे परिवारों को भी सचेत रहना चाहिए कि हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें। हम उन्हें बताएं कि हमारे आदर्श झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, ये शीला की जवानी या मुदनी मुन्नी बदनाम होना हमारी परंपराएं नहीं है। हम अपनी बहन बेटियों को भी समझाएं और इन मानसिकता रखने वालों के साथ सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे और पूरे देश के अंदर लव जिहाद पर प्रतिबंध का कानून बनाए।